बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेसर्स, रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेसर्स विद इलनेस एंड हेल्थ। तो देखते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस जो है वो वीयर एंड टीयर इन द बॉडी, यानी जिस्म में, चाहे वो माइंड है या आपकी बॉडी है, माइंड है या बॉडी है, उनमें जो वीर एंड टीयर होती है उसको स्ट्रेस कहते हैं। किसी भी तरह का डिसऑर्डर जब होता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। अब ये तो हो गया स्ट्रेस, यानी जो नॉर्मल हालात से कोई भी इवेंट इस तरह का अगर हो जो इंसान को बायोलॉजिकली नॉर्मल हालात से एबनॉर्मल हालात में ले जाए, वो स्ट्रेस है। वो पूरी बॉडी पे हो सकता है, आपके जो हैं वो माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर उसका असर होता है। अब स्ट्रेसर्स क्या होते हैं जो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। जो फिज़िकल स्ट्रेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा धूप हो सकती है, जो आप अगर धूप में खड़े हैं, हीट में खड़े हैं, तो वो आपको स्ट्रेस में ले जाएगी। बहुत ज़्यादा सर्दी में आप नहीं खड़े हो सकते बहुत ज़्यादा देर, आप बहुत ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इन्वायरमेंट में आप कोई अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का जो काम है आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर बर्दाश्त करना पड़ जाए तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो स्ट्रेस को या इंक्रीज़ कर देते हैं, स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं। अब स्ट्रेस जो होता है वह किसी पर्सन जो है उसकी परसेप्शंस के ऊपर होता है। आपको इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें आप नॉर्मल रहें। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आप सोचें अगर कि आप धूप में जा के खड़े हो जाएंगे जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है, तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग होते हैं वो एज के हिसाब से, अगर उनको लोग कहें कि आप ज़्यादा एज के हैं तो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। कुछ को लोग कहें कि आप खूबसूरत नहीं हैं तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उनके पास खाने पीने को, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होते तो वो उस तरह से सोचते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये अब आपके इमोशंस के ऊपर है। आपकी जो पहले हमने पढ़ा जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल क्वोशेंट है आपका इंटेलिजेंस का, इमोशनल फैक्टर जो है वही तयन करता है कि आप जो है स्ट्रेस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आप उसको मैनेज कर लें तो आप स्ट्रेस से निकल जाते हैं, अगर आप उसको ना मैनेज कर पाएं तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब कहा यह जाता है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं, बजाय इसके कि नौजवान जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस में, या बच्चों को कोई परवाह नहीं होती क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, खाना पीना कहाँ से आ रहा है, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। इवन के नौजवान भी, जिस तरह के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं आप हैं, आप पढ़ते हैं, वालदैन मैनेज करते हैं आपकी बुक्स का, आपके दाखिले का, आपकी फ़ीस का। कुछ स्टूडेंट्स हैं भी इस तरह के जो ख़ुद मैनेज करते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो वो चूँकि उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जैसे जैसे उम्र गुजरती है, शादीशुदा लोग बच्चों की कफालत के लिए, अपने दूसरे मेम्बर्स की कफालत के लिए, तो वो स्ट्रेस में जाते हैं। और कहा यह जाता है कि जो 21 साल के बाद जो है वो 1% जो है वो
आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है फ़र्ज़ किया है 100% है, तो 21 साल के बाद वो 1% जो है वो कम होती जाती है हर साल, वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है। और अगर कहते हैं कि अगर यही जो है वो पेस जो है वो बरकरार रहे किसी बंदे का, यानी कि वो उतना ही काम करता रहे 21 साल के बाद जितना 21 साल की उम्र तक करता रहा है, सख्त मेहनत करता रहे, तो 50 साल की उम्र तक उसको जो है वो हार्ट अटैक होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जो लोग, कहा जाता है कि जो लोग इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो है वो बेहतर होते हैं उनको जो है वो स्ट्रेस कम होता है, लेकिन आज के जो हालात हैं वो कुछ और बताते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी होते हैं, वो चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हों, तो वो भी स्ट्रेस में ज़्यादा जाते हैं। अब स्ट्रेस जो है वो जिस में डिसऑर्डर होता है, मेंटली बॉडीली डिसऑर्डर जो होता है, वो है कितनी तरह का है, टाइप्स इसकी कितनी है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, यानी जो आपको नज़र आ रहा होता है, इसमें आपको होता है कि आपको बहुत भूख महसूस हो रही है तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है जो नॉर्मल से ज़्यादा है तब भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कोई भी चीज़ जो आप जिस तरह कहते हैं एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो किसी भी चीज़ की एक्सेसिव होना या उस मुतलका जो नॉर्मल मकदार से कम होना, वो इंसान को स्ट्रेस में ले जाता है। तो ये जो हंगर, डिजीज, स्मोक, ड्रिंकिंग वगैरह, ये सारी जो हैं वो लाइफ स्ट्रेसर्स हैं जो इंसान की ज़िंदगी को स्ट्रेस में ले जाते हैं। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो आपकी जॉब छिन जाए, आपकी जो शादी है वो कामयाब ना हो, जो आपका पार्टनर है वो आपको धोखा दे, तो इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। इंसान अपने कैरियर से सेटिस्फाई ना हो, ठीक है जी, इकोनॉमिकली वायबल ना हो, तो इंसान नेचुरल सी बात है कि स्ट्रेस में चला जाएगा। अब इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसर्स क्या है? कुछ स्ट्रेस इस तरह के होते हैं जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, कुछ स्ट्रेस इस तरह के होते हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो आपको भूख लगी है, स्ट्रेस है, या आप बहुत ज़्यादा धूप में हैं, तो ये स्ट्रेस तो है लेकिन इतने सीवियर नहीं है उसके मुकाबले में कि आपका क्लोज रिलेटिव आपका उसकी डेथ हो गई है, जिस तरह आपके वालिद या आपकी वालदा इस दुनिया से चले गए हैं, जो स्ट्रेस वो होगा वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम है जो भूख प्यास से आपको महसूस होगा। तो स्ट्रेस जो है वो डिफ़र करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो अब हम देखते हैं कि इसके लेवल्स क्या हैं, रैंकिंग क्या है। अब जो सबसे ज़्यादा इंसान को जो स्ट्रेस होता है, जिसको कि रैंकिंग में पहला नंबर दिया जाता है, 100% स्ट्रेस होता है, वो इंसान की जो अपने पार्टनर की डेथ है, अपने स्पाउस की, उस पे होता है सबसे ज़्यादा 100%। जब इंसान का बेटर हाफ जो है वो इस दुनिया से चला जाता है तो तब इंसान 100% स्ट्रेस में होता है। दूसरा, डाइवोर्स हो जाती है, पार्टनर अलहदा हो जाता है, तब इंसान को स्ट्रेस होती है। फिर मैरिटल सेपरेशन हो जाती है, तीसरा। चौथा जो है वो इंसान किसी वजह से, किसी क्राइम की वजह से जेल में चला जाता है स्ट्रेस में। क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है जैसे मैंने कहा है, तो वो उसका फिफ्थ नंबर है। सीरियस पर्सनल इंजरी है, आपको एक्सीडेंट हो जाता है, उसका छठा नंबर है। डिसमिसल फ्रॉम वर्क, काम से आप हाथ धो बैठते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसका सातवां है। तो मैरिटल रिकाउंसिलिएशन के लिए आप स्ट्रेस में होते हैं, उसका आठवां नंबर है। और रिटायरमेंट जो है उसका आखिरी नंबर है। अब साइकोलॉजिकल वेरिएबल जो हैं, जो रिजॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेस को, लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी वो इंसान की वो एबिलिटी
जिनसे वो किसी भी स्ट्रेस को, वो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल की, तो उसको जो उसकी एबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करने की, उसको हम वो ये है नीड फॉर स्टिमुलेशन, यानी जब आप किसी स्ट्रेस में या परेशानी में हो तो आपके अंदर इतने इमोशंस होने चाहिए कि आप अपने आप को स्टिमुलेट कर सकें उसको फेस करने के लिए। ओपननेस टू चेंज, यानी कोई भी चीज़ आपकी जो है वो तबीयत के अगर ख़िलाफ़ हो जाए तो आपको उसको बर्दाश्त करने की जो है वो आप में, आपको ओपन होना चाहिए उसके लिए, यानी आपको ख्याल होना चाहिए कि डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तीसरा है जी स्टिमुलस स्क्रीनिंग, जो भी स्टिमुलस है जो आप प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर रही है तो उसको आपने स्क्रीनिंग उसकी करके कि कौन सा अप्रोप्रिएट है उसके थ्रू उसको मैनेज करना होगा आपको। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कोई आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसको के बर्दाश्त करना आपके बस की बात नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद ही निडाल होते रहें। अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो आप जो है वो अपने आप को एक्चुलाइज करते हुए आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। यूज़ ऑफ रिफ्यूज़ल, यानी कोई चीज़, कोई चैलेंज इस तरह का है जो कि आपकी एबिलिटी से, आपकी बर्दाश्त से बाहर है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसको टेकअप करें, उसको आप रिफ्यूज़ करते हैं। सोशल सपोर्ट, अब सोशल सपोर्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। आपके दोस्त, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपके स्पाउस, आपके जो है सबलिंग्स, ये जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे कोप अप करना मुश्किल है। अच्छा, इन सब को जो है वो हार्डीनेस मेक्स द डिफरेंस अमंग द पीपल। अब जो हार्डीनेस है, जो एबिलिटी है टू कोप विद द प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ये जो है जिन लोगों में ज़्यादा होती है वो इन प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त कर पाते हैं। और ये पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो 3 C's जिनको कहते हैं, जिसमें 3 C's में होता है कि नंबर 1 है सी कमिटमेंट टू सेल्फ वर्क एंड फैमिली। आपका जो अपना काम है, जो आपकी कमिटमेंट है किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ, किसी भी मिशन के साथ, तो आप उसके साथ जो है कमिटमेंट होनी चाहिए। तो ये एबिलिटी है हार्डीनेस की, ये 3 C में पहला सी। दूसरा सी है कंट्रोल ओवर वंस लाइफ, आपको अपनी लाइफ के ऊपर अपने इमोशंस को समझते हुए इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अपने डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए जिन चीज़ों को छोड़ना पड़े तो आप उनको छोड़ सकें। चेंज एज ए चैलेंज रादर देन ए थ्रेट, तीसरा सी है चेंज एज ए चैलेंज, यानी जो आपको, आपके ऊपर प्रॉब्लम भारी मुश्किल आए तो आप बजाय इसके के रोना धोना शुरू कर दें, आप उसको चैलेंज के तौर पे कबूल करें, तो तब ये हार्डीनेस की जो करेक्टरिस्टिक हैं जिनमें होंगे 3 C's वो अपने स्ट्रेस को कोप अप कर पाएंगे। आगे है जी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, बॉडीली रिस्पॉन्स थ्रू फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर, मीन्स एज फिजिकल मैनिफेस्टेशन। फिजिकली आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, फिजिकली आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया आपका मुंह खुश्क हो जाएगा, आपकी पल्स चेंज हो जाएगी, आपका कलर चेंज हो जाएगा, स्टोमिक अपसेट हो जाएगा, जो है वो आपके चेस्ट में पेन शुरू हो सकता है। और दूसरा पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो सकता है, जिसमें क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है। पहला स्ट्रेस नॉर्मल था, अब ये क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है जिसमें आप भूख महसूस कर सकते हैं। तो इस जो क्रोनिक स्ट्रेस है इसकी वजह से इंसान को शुगर की बीमारी हो जाती है, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, और जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। अब जो आउटकम, इन स्ट्रेस के आउटकम हो सकते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका वो अपसेट हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सर में दर्द हो सकता है, नर्वस सिस्टम
ख़राब हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो आपका मैदा है वो अपसेट हो सकता है, और उससे रिलेटेड जो सिस्टम है वो अपसेट हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो है वो अपसेट हो सकता है, रेस्पिरेटरी आपका सांस का निज़ाम ख़तरे में पड़ सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका वो है उससे आप वो आपको परेशान कर सकता है, इंटेगमेंटल सिस्टम जो है, स्किन डिजीजेज जो है वो आप पे हमला कर सकती हैं, और फाइनली आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तबाह हो सकता है। तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेसर्स के थ्रू, कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट के थ्रू, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके, मैनेजिंग बिहेवियर, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करके, टाइम को मैनेज करके, कौन सी चीज़ें पहले करनी है जो प्रायोरिटी पे है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, दूसरों के साथ मिलके हंसी मजाक कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। फिर वोकेशनल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, वोकेशनल एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती हैं, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं जो आपको काम आता है, तो इस तरह से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अगला है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप नमाज पढ़ सकते हैं, रोज़े जब आए रोज़े रख सकते हैं, फिर इसके अलावा जो ज़कात दे सकते हैं ज़कात के निज़ाम को प्रमोट कर सकते हैं, और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। फिर क्लैरिफाई वैल्यूज़, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आपने सच के लिए खड़ा होना है, आप बता सकते हैं स्कूलों में कॉलेजेस में, आप लेक्चर दे सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ इस्लाम की वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह से यहाँ तक जो है वो हम आए हैं, हमने अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से इग्नोर किया था, तो अब हम किस तरह से इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। आप सोशल सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा है कि आप सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ मोहल्लों में बना के फिर एक सोशल नेटवर्क बना सकते हैं उनका, उनकी मीटिंग्स बुलवा सकते हैं, और वहाँ पर जो होने वाले काम हैं उनके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे काम खुद करवा सकते हैं, बजाय इसके के आप गवर्नमेंट का इंतज़ार करें। तो ये एंगेजमेंट जो है वो आपको स्ट्रेस फ्री बना देगी, स्ट्रेस से निकाल लेगी। अब दूसरों की आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अब स्कूलों कॉलेजेस में तलीम पे जाएं तो स्कूल कॉलेजेस जो ख़ासकर गवर्नमेंट के हैं, बच्चों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, किताबों की ज़रूरत है, जूतों की ज़रूरत है, बच्चों को यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो क्योंकि बच्चे जो है वो वालदैन जो गरीब होते हैं वो बच्चों को पढ़ने की बजाय कोशिश करते हैं कि बच्चे काम करें, तो आप उन बच्चों को जब सोशली मॉरली इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे तो जब बच्चे इम्प्रूव करेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपका स्ट्रेस किस तरह से कम हो रहा है। तो ये जो 4-5-6 फैक्टर हमने पढ़े हैं इनके ऊपर अमल करते हुए आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का ये हमने सीख लिया, तो आज का लेक्चर यहीं तक, तो कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।